अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे बड़ी टायर कंपनी कौन सी है, तो आप शायद MRF या फिर सीएट जैसी टायर कंपनीज का नाम लेंगे। जनरली डे टू डे लाइफ में हम इन्हीं कंपनीज के टायर्स को देखते हैं। टीवी पे इन कंपनीज की एड्स भी बार बार देखने को मिलता है। बट क्या आपको यह पता है कि एक टायर कंपनी ऐसी भी है जिसकी ग्लोबल रीच MRF टायर से भी ज्यादा है। 1950 के दशक में जब आजाद भारत में मोबिलिटी की नीड बढ़ी, तो महावीर प्रसाद पुदार ने 1956 में बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और उसके अंडर बाइसिकल टायर्स बनाने शुरू कर दिए। 1987 में जैसे जैसे मार्केट बदला, कंपनी ने भी अपना फोकस बाइसिकल से टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के टायर बनाने पर शिफ्ट कर दिया। बट BKT टायर्स की किस्मत बदलना तब शुरू हुई जब 1992 में कंपनी में ऑफ हाईवेज टायर्स के मार्केट का पोटेंशियल समझा और BKT टायर्स की तरफ से इस सेगमेंट में भी टायर्स लॉन्च किए जाने लगे। इसके दो साल बाद ही 1994 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया और यह फैसला था टू एंड थ्री व्हीलर्स मार्केट से फोकस हटाकर पूरा फोकस OT यानी कि ऑफ हाईवे टायर्स सेगमेंट पर शिफ्ट करने का। लेकिन इस साल BKT टायर्स ने सिर्फ OT मार्केट में एंटर ही नहीं किया, बल्कि इस सेगमेंट में अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बिल्ड करने का प्लान किया और यही इंटरनेशनल फोकस उनकी स्ट्रेटजी का कोर एस्पेक्ट भी रहा, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लास्ट 10 इयर्स में इनका सेज ग्रोथ 11% CAGR और प्रॉफिट ग्रोथ 10% CAGR का रहा है। अब यह देखकर यह सवाल जरूर आता है कि ऐसा क्या किया इस कंपनी ने जो 1950 से 1994 तक कछुए की चाल से ग्रो करने वाली कंपनी ने सड़न एक छेन से चीते की रफ्तार पकड़ ली। इसके पीछे इनकी तीन स्ट्रेटजीजर सबसे ज्यादा काम आई, जिसमें से फर्स्ट तो ये है कि इन्होंने मार्केट को समझा, जहां एक तरफ दूसरी कंपनीज नॉर्मल कार टायर्स के मास प्रोडक्शन में ही लगे हुए थी, तो वही BKT टायर ने एक अलग सेगमेंट में अच्छा पोटेंशियल देखा और उधर शिफ्ट हो गए। ऑफ हाईवे टायर्स का मार्केट वाइड रेंज ऑफ टायर्स को कवर करता है, जैसे कि ट्रैक्टर्स के टायर्स, हार्वेस्टर्स के टायर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, फोकलिफ्ट्स, पोर मशीनरी, माइनिंग व्हीकल्स टायर्स और भी कई सारे टायर्स। इस तरह के व्हीकल्स में अलग अलग तरह के स्पेसिफिक नीड वाले टायर्स चाहिए होते हैं, जो हैवी वेट हैंडल कर सकें और डावर्स टैरन पर भी चल सकें। इस नीश पर फोकस करके इन्होंने कस्टमर्स की नीड को समझा और डिफरेंट ऑन ऑपरेशंस वाले व्हीकल्स के लिए डिफरेंट डिजाइंस बनवाए, जैसे कि एग्रीमैक्स एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए, अर्थमैक्स कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए, और आज की तारीख में BKT टायर्स 2700 टाइप्स के टायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इस एक्सटेंसिव प्रोडक्ट लाइन की वजह से ही वो डावर्स कस्टमर बेस को कैटर कर पाते हैं। दूसरी चीज जिसने BKT टायर्स को इतना ग्रो करने में हेल्प किया, वो है जियोग्राफिक बाउंड्रीज के न सोचकर कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की प्लानिंग, OT नीश की इंपॉर्टेंस और रियल लाइफ नीड्स को समझा और ग्लोबल मार्केट में एंटर किया। और आज 5 कॉन्टिनेंट्स में लगभग 160 देशों में BKT टायर्स अपने टायर्स सप्लाई करता है। यह एक्सपेंशन भी इसलिए इतना तेजी से हो पाया क्योंकि इन्होंने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा जैसे कि रीजन्स में सब्सिडरी सेटअप करने के साथ शुरुआत की। इन सब्सिडियरीज की हेल्प से मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ा ही, बट इन देशों के क्रूशल मार्केट्स में कस्टमर्स के बीच ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ी, जिससे इनकी ग्रोथ और भी तेज हुई। ग्लोबल एक्सपेंशन के अलावा इनकी ग्रोथ का एक और रीजन है कस्टमर के साथ एक्टिव इंटरेक्शन। इन्होंने लगातार पोटेंशियल कस्टमर्स की नीड को समझा, इसीलिए ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ साथ इन्होंने लगातार डिजिटल मार्केट टूल का यूज किया। इन्फॉर्मेशन कंटेंट क्रिएट करके और टारगेटेड कैंपेन चला करके इन्होंने अपनी रीच को बढ़ाया और अपने टायर की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बारे में यूजर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। और नो डाउट इन एफर्ट्स का फायदा भी कंपनी को हुआ और कस्टमर्स के बीच ब्रांड को लेकर ट्रस्ट बिल्ड हुआ। बट इन सभी मार्केटिंग टैक्टिक्स के पीछे ग्रोथ का इंजन रही है इनोवेशन और क्वालिटी। BKT ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर उन्हें औसड़ी मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना है, तो उन्हें कंटिन्यूअस इनोवेशंस करते रहने होंगे, और इसीलिए उन्होंने R&D में हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए ताकि उनके टायर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के मामले में हमेशा फोरफ्रंट रहे। कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही नतीजा है कि इनके एग्रमैक्स वी फ्लक टायर्स को तो DLG अप्रूव्ड क्वालिटी मार्क भी मिला हुआ है। इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि टायर्स को परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के लिए रिगर असली टेस्ट किया गया है। अभी भी BKT अपने टायर्स के लिए नए मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस डिस्कवर करते रहते हैं ताकि टायर्स की ड्यूरेबल और एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंक्रीज कर सकें। इनफैक्ट क्वालिटी कंट्रोल एनहांस करने और क्रूशल टायर कंपोनेंट्स की कंसिस्टेंट सप्लाई बनाए रखने के लिए
बीकेटी ने 2017 में अपना खुद का कार्बन प्लांट भी सेटअप किया। दोस्तों, बीकेटी टायर्स की बिजनेस स्टोरी उन बिजनेसेस के लिए एक वैल्यूएबल लेसन है जो कंपटिंग मार्केट में अपनी नीश कवर करना चाहते हैं। यह केस स्टडी हमें यह सिखाती है कि स्पेशलाइजेशन और ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करके कॉम्पिटेटिव मार्केट में ग्रो किया जा सकता है। अब आप बताइए, बीकेटी टायर्स कंपनी की कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी आपको सबसे अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए।